सत्य खबर न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार नितिन शर्मा के पिता के निधन पर उनके निवास स्थान पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुज्जर और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा समेत जिले के विधायक शोक व्यक्त करने पहुंचे और संतलाल शर्मा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए समस्त परिवार को सांत्वना भी दी। शोक व्यक्त करने पहुंचे परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि आत्मा कभी नहीं मरा करती बल्कि चोला बदलती है। जीवन और मृत्यु दोनों ही परमात्मा के हाथ में है, इसलिए इंसान को अपने जीवन में सत्कर्म जरूर करने चाहिए। बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार नितिन शर्मा के पिता संतलाल शर्मा का जन्म 4 अप्रैल 1953 को पलवल के गांव देवली में हुआ था। उन्होंने पलवल के गांव पृथला स्थित एक स्कूल से मैट्रिक की। वो दिल्ली स्थित सीबीआई में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। सीबीआई में पदोन्नति होने पर इंस्पेक्टर बन साल 2013 में सीबीआई से सेवानिवृत्त हुए। सीबीआई में उत्कृष्ट कार्य करने पर वो 2 प्रधानमंत्री और 1 राष्ट्रपति पदक से सम्मानित हुए। इसके अलावा वो समाज सेवा के कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। संतलाल शर्मा पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे थे, जिनका फरीदाबाद के मेट्रो अस्पताल में उपचार चल रहा था, जहाँ उन्होंने 28 मार्च को अंतिम सांस ली। उनका दाह संस्कार रसलपुर रोड स्थित मोक्ष धाम में किया गया, जहां उनके पुत्र नितिन शर्मा ने सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में उन्हें मुखाग्नि दी। सत्य खबर हरियाणा के लिए नितिन शर्मा की रिपोर्ट। सत्य सटीक बेबाक